मैं 92-94 में जंतर मंतर में 2 साल तक उत्तराखंड में रहा। अच्छा, जो आपने मांग रखी उत्तराखंड आंदोलन में, आंदोलन में जंतर मंतर में रहा हूँ। स्वागतम 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 स्वागतम, आप आए हमें तो निधि मिल गई, आप आए हमें निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से मन की कली खिल गई, दिव्य दर्शन से मन की कली खिल गई, बाग में पुष्प नहीं अर्चना के लिए, बाग में पुष्प। बरखा भी है कि आप असोल्ट अभी तैयार हुई खेतों में, खास तौर पे ये है तिल, तिल है और इस तरफ है धान और ये झंगूरा है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवर पर दोस्तों। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम फिर से एक नए गांव में पहुंचे हैं और ये गांव है गुगा। तो चलिए मेरे साथ बनी रहिएगा और देखते हैं आज इस गांव को बहुत ही नज़दीक से। गुगा गाँव मगा मेरो भेरा पो ना था, गुफा मगा राना हलो तुम्हारो नाम से आबा, हमारो गाँव गो नामा गुगा पड़ी गयो हलो, हाथ जोड़ी सेवा नो कि मेरो भेरा पा तुम ग्रामीण भेरा पा हलो, गुगा गाँव मगा रामा तुम्हारी छत्र छाया हुली रामा, तुम हला ये नांगा निरे बना रामा, गुफा मगा राना तुम तुम हला गुफा गारे बासी हरि राम राम शिव तब गेनु अर लोनु मेनो पीढ़ी पी तरुणी, आज कल का दिनों माँ पितरों को पक्ष लागो कृष्ण पक्ष लाग्या होला, भादोगी में नेगी होली 28-29 गते होली श्राद्ध पक्ष लाग्या होला, रहे भगवान जी आज होला तुम्हारा पंचमी छठी गी तिथि होली, जनरा होला वंश बढ़ू होला रामा, जना पितरों गो आबा अरे पितरों गो नाम गो तुम तुम करला ये सोला सारादा रामा, असो जागा मैनू मगा तुम जला पितरों गो नाम गो आबा, ये धूपा भरला तुम धानोगी काटाई हुणी तुम बनला बारा धान गो आबा, भुजली गा खाजा आबा बारा धान गो रामा, ये चौला बनला तुम चला कल गो रामा, तुम पितरों गो नाम गो आबा, कबीला गाई गो आबा दूधेगी बना तुम खीरी भोर जाना बनला तुम, तुम बाला पिंगेली पाकोड़ो रामा, पिंगेलो काल्यो रामा, रेलोंगी तुम मेड़ो हेली, झालोंगी का खुड़ो रामा, बलिए बाड़ोंगी मुंगेरो रामो, आजा काला दिनु मगा तुम दियाला पितरों गो नाम गो हरि राम राम शिवा, तुम पितरों ने न्युति के बोलाया रामा। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ों में इस तरीके से ही सिलवटे के ऊपर जो पत्थर आप देख रहे होंगे, ऐसे ही जो लुमच है गड़े में हम ये कहें लुमच वन, तो ये पीसा जाता है और इधर साथ में आप देख रहे होंगे ककड़ी।
तो ककड़ी का जो टेस्ट है वो पहाड़ी लुमच के साथ ही है, और यहाँ पे दीदी जी समय पीस रही हैं लुमच। और दोस्तों यहाँ पे तैयार हो रही हैं निंगाल से सुलटियाँ, और इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये निंगाल है, निंगाल को फाड़ा जाता है, मतलब उसको उसके दो पीस किए जाते हैं इस तरीके से। थोड़ा काटने में भी लगता है। हाँ, बहुत मुश्किल काम जो है। बहुत बहुत टफ काम है। जी जी। अच्छा, तो ये सुलटी बुनने पे कितना टाइम लगना आपते हैं? ये ले दो ने करीबन एक दो घंटा लग जाता है। सुलटी है जिसे चंगेरा भी कहते हैं कई जगहों पे। अब इसमें ये पाते डाले जा रहे हैं, इस तरीके से इसको बुना जाता है निंगाल से ही। ये अपने आप में बहुत ही शानदार कला है जो धीरे धीरे अब पहाड़ों से कम होती जा रही है। तो भाई साहब, आप आयु काम करके सीख थोड़ा बहुत ही नगर हम भी थोड़ा हमारे पिताजी करते थे इस काम को। अच्छा, उनके साथ हम देख के आप देख के फिर कभी कभार हम भी लगा लें। ना ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हमारे धरोहर पे खास तौर पे ना। बरखा भी आएगी। आप असल्ट अभी तैयार हुई एकदम, बहुत जल्दी पूर्ण भैया। अपन पाता ही फिर बहुत जल्दी डाल, ये तो हम टाइम भी बहुत लगाई ना। तो दोस्तों, अभी हमने ले ली है ये ककड़ी, और ये है पहाड़ी लुमच, आप देख रहे होंगे ये है, और ये ककड़ियाँ हैं। आओ भाई साहब, पहाड़ में आनंद ये की चीज़ बस यही है, ककड़ी का आनंद है। और इस तरीके से दोस्तों इस पर लगाया जाता है नमक। अब देखिए इसका आप कलर देख सकते हैं इस तरीके से। बलसन प्यारो लगा दू मेरो छोटो गुगा गाँव, बलसन प्यारो लगा दू मेरो छोटो गाँव, कन प्यारो लगा मेरो छोटो गाँव, बलसन प्यारो लगा दू मेरो छोटो गाँव, गुगा गाँव मागा वाला भेरा पको गुफा, बाला गुगा गाँव मागा मेरो भेरा पको गुफा, गुगा गाँव मागा मेरो भेरा पको गुफा, गुगा गाँव मागा मेरो भेरा पको गुफा, बाला सोने की जंजीरा दीदी सोने की जंजीरा, बाला गुगा गाँव मागा मेरो सोने की जंजीरा, सोने की जंजीरा मेरे सोने की जंजीरा, बाला सोने की जंजीरा मेरी सोने की जंजीरा, बाला गुगा गाँव मागा मेरो भेरा पा मंदिरा, बाला गुगा गाँव मागा मेरो भेरा पा मंदिरा, गुगा गाँव मागा मेरो भेरा पा मंदिरा।
गोगा गाँव मागा मेरो तेरा पा मंदिरा बला सुफला हो जाया मेरा घेरा पा मंदिरा बला सुफला हो जाया मेरा घेरा भगवाना मेरा कृष्णा भगवाना गेंदुआ खेलाला मेरे कृष्णा भगवाना गेंदुआ खेलाला बाल बाल दगाला गेंदुआ खेलाला बाल बाल दगाला गेंदुआ खेलाला जमुनी किनारा गेंदुआ खेलाला जमुनी किनारा गेंदुआ खेलाला जमुनी किनारा ग्वाल बालों दगाड़ा जमुनी किनारा ग्वाल बालों दगाड़ा सुना को गेंदुआ चांदी को तो थाना सुना को गेंदुआ चांदी को तो थाना चांदी के खेलाला तो दोस्तों अभी हम गुगा गांव में हैं और यदि आप मेरे पीछे यदि देखें तो ठीक नीचे कुलसारी है, कुलसारी और सामने से पिंडर नदी बह रही है दोस्तों उस तरफ से। तो गुगा गांव में अधिकतर जो लोग गांव में आज भी हैं, यहां पे जो परिवारों की संख्या है लगभग 15 से 20 परिवार ही यहां पे देखने को मिलते हैं। और हिमालय गांवों की तरह गुगा गांव के जो अधिकतर लोग हैं वो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, पशुपालन से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग उसमें से ऐसे भी हैं जो सरकारी सेवा में रहते हैं। और यहाँ पर इस गांव की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो इस गांव में जो खेतीबाड़ी है उसमें धान, मंडुआ, झंगोरा, कौनी, दालें और बहुत सारी जो फसलें हैं वो गाँव में आज भी होती है। लेकिन इस गाँव की थोड़ा बहुत समस्या ये भी है, वो ये है कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग क्षेत्र में ये आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों के अधिकतर हिस्से ऐसे हैं जो धीरे धीरे खिसक रहे हैं। उसमें से गुगा गांव भी इस समस्या से भविष्य में जूझ सकता है। हो धरती हमारा गढ़वाल की पंच पर्याग यक्षना पंच पंडोमी एन यक भाग हमर धन धन भाग हमर धन धन मटी छनी अभिमानी सरंग जमुना यक बटी सबों की भूकती से बुझाड़ी चा वनी करों तेरी स्वाणी चा और सब बढ़िया चा आप लोग? सब बढ़िया, तुम ठीक से? सब बढ़िया चा, बाल बसा सब ठीक ठाक। और सुनाओ आप अपू नहीं ताजी आजकल क्या कहूँ घर गाँव में? अरे आज छड़ लाना सो। अच्छा तो बोला मैं नहीं पूरा से अच्छा। मला तीन हिस्सा हुए ये थी मला ये थी अच्छा ये पूरा ये धंसोने च ना सारे पूरा मला जो दाने को जो का छाती इस भी हिस्सा हुए अच्छा हां अच्छा युवा खेत यो कच्ची पहली हां यो का छाती अच्छा। तो दोस्तों ये ऊपर वाला खेत और ये वाला जो खेत है पहले एक ही था, इतनी जमीन ये धंस चुकी है।
लगभग 8 से 10 फीट ये नीचे बैठ गई है। इन खेतों में जो ढलान ज़्यादा है, इसका कारण है कि ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है ये धंस रही है, नीचे बैठ रही है। और दोस्तों इन खेतों में ख़ास तौर पर ये है तिल, तिल है, और इस तरफ है धान, और ये झंगोरा है, और इन खेतों से जाते हुए बहुत ही बेहतरीन अनुभव प्राप्त हो रहा है। और इस तरफ ये है तुअर, देख सकते हैं आप, तुअर है। दोस्तों यहाँ पे एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है ये सौर प्लांट का, इस विषय पे क्या बताना चाहेंगे आप, कब लगी चाहिए? यू ना यू ये 4 साल हुए। अच्छा, पूरा वे ही 4 साल बहुत काम कर हम ये पेड़ आवे सबले बुएल की पेड़। अच्छा, ये सोलर पंपिंग पंपिंग चढ़ी। अच्छा, अच्छा गोई चढ़ ये काम करी छेंच? ये काम ये आजकल मोटर ना ये खराब हो गया बार बार। अच्छा, सिर्फ मोटर हुई खराब? सिर्फ मोटर हुई खराब। अच्छा, जमीन तो टैंक से। अच्छा, ये अंडरग्राउंड टैंक है दोस्तों, यहाँ पे ना घास सा भी दिख नहीं पा रहा है। अच्छा, ये कति में ना 15,000 लीटर टैंक मास बड़ी। अच्छा, कति टाइम काम करी ले? ये 3 साल करी से। अच्छा, मतलब 8-9 महीने बैठी खराब हुई। 8-9 महीने साल इतनी चली हो जन ये पेड़ घर में पेड़ है तो ना। अच्छा, तहन ये बंद कर दी। अच्छा, तहन रो वो घर में पेड़ काम है तो हम ये सोलर चलेंगे। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये है, इधर काफी प्लेटें लगी हुई है, इस तरफ भी है, 16 प्लेट है, सोलर पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये है इनका मूल स्रोत गांव का, जो मंगेरा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, यू पेड़ साल भर इतना नहीं है कमरन? अच्छा 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 अच्छा, तो ये धारा है गोगा गांव का। दोस्तों अभी आ चुका है हमारा भोजन, देखिए आप इधर, खास तौर पे इधर हिमांशु भी है मेरे साथ आज। हेलो दोस्तों, हिमांशु और मैं, और इधर दीदी जी ने भोजन बनाया है खास तौर पे, ये घर के चावल हैं और अरहर की दाल है और सब्जी है। तो अब भोजन करते हैं दोस्तों और फिर आपसे मिलते हैं। मिर्ची भी है मेरे साथ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगम्बर सिंह कारके ग्राम गोगुआ, आप सबको नमस्कार करता हूँ, और अपने गाँव की समस्या को आगे तक पहुंचाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारी समस्या को आगे पहुंचाएंगे। एक तो हमारे यहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, रोड नहीं छापा? रोड की समस्या है, जबकि हम लोगों ने लिख के दे दिया कि मतलब हमारे खेतों से रोड जा सकते हैं आप, तैयार हैं हम, मगर इधर ये थराली ब्लॉक का जो है बॉर्डर है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से थराली ब्लॉक लग जाता आगे नारायण ब्लॉक। दूसरी बात यह है कि यहाँ ये नीचे लमकुनी के यहाँ पर जो मले पौड़ है ना, ये रोड के वजह से हमारे यहाँ सारे जमीन जो है नीचे खिसक, नीचे खिसक रही है। सबसे बड़ी समस्या है स्लाइड जोन में यहाँ पर, यहाँ से शुरू है। अच्छा, वो आगे तक इन मकानों के आसपास से? हाँ, मकान बिल्कुल एकदम, ये मकान, ये मकान ये तो बिल्कुल खतरे में है, लगा लो यहाँ पर एक खेत के 3 हिस्से हो रखे हैं। अच्छा अच्छा, 3 हिस्से हो रखे हैं। हाँ, अच्छा, फिर एक समस्या ये है हमें कि सरकार से हमको ये है, हमारे गाँव में महीने में केवल 3 या 4 दिन बिजली होती है, बाकी तो लैग होती नहीं है, जबकि हर जगह पूरा क्षेत्र में हर इलाके में पूरा लैग होती है। अब ये क्या कारण से? कारण ये है कि कहते सरकार का बिजली बचाओ बचाओ, मगर बिल देखो ना, दो महीने में 2,000 का बिल आ रहा है। नहीं नहीं, तो आप आल बिजली विभाग से बात करी थी? हाँ, बिजली विभाग से हमने बात की, बोलते हुए यहाँ जो ये ट्रांसफार्मर है हमारे यहाँ, अच्छा यहाँ से दिक्कत है, लाइन मैन आते ही नहीं है। अच्छा, तो जो ट्रांसफार्मर से वो चेंज नहीं करे लोगों क्या? अब वो चेंज भी करते कहाँ कर नहीं कर रहे ना, उसको 4-5 गाँव का एक ट्रांसफार्मर है। अच्छा, किमनी और काखड़ा सुनला, किमनी काखड़ा गोगुआ का एक ट्रांसफार्मर है। अच्छा, और उसमें कनेक्शन जगह जगह दे रखे हैं। अच्छा, तो उसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ गांव में बहुत कम लाइट होती है, पर हमें दूसरी बात एक बार बच्चे बेरोजगार हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है जी? मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अभी आप मेरी बात को, मैं 92-93 में जंतर मंतर में 2 साल तक उत्तराखंड में रहा। अच्छा, जो आपने मांग रखी उत्तराखंड आंदोलन में? हम आंदोलन में जंतर मंतर में रहा हूँ मैं 2 साल तक। अच्छा, जो लखनऊ में जो जंतर मंतर है? नहीं, दिल्ली, दिल्ली जंतर मंतर, दिल्ली जंतर मंतर। अच्छा, इधर रोड के इस तरफ जंतर मंतर था और इधर इलाहाबाद बैंक था, वहाँ मैं नौकरी करता था। अच्छा,
तो बैंक वालों ने मुझसे कहा या तो वहाँ रहो या तो यहाँ रहो। अच्छा, और 94 मार्च में हमारी नौकरी चले गई उसके चक्कर में। उत्तराखंड आंदोलन के कारण आपने अपनी नौकरी खोई, नौकरी छोड़ी, और आज हमारे बच्चे बीए करके घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है उनके लिए, सिर्फ लाभ लाभ ले रहे हैं। मेरी बात सुन, आपको बता रहा हूँ, जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ हम घर आ गए, हमारी नौकरी चले गई, हम घर आ गए। उसके बाद मुख्यमंत्री खंगड़ी रहा, कुलसारी में आया, मैं खुद गया वहाँ पर, बोला हाँ आपका बिल्कुल, हम बस अभी जुलाई ये अगर ये सितंबर 20 तारीख को कोरबार में भर्ती खोली, हमारा लड़का गया था, बोला थराली का नंबर ही नहीं आया। अच्छा, क्यों नहीं आया नंबर, जबकि लड़कों ने इतना खर्चा किया, अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया, एक तो भर्ती बहुत टाइम बाद भी आई ना, सबसे बड़ी बात। आप कह रहे ना कि मुख्यमंत्री अच्छा है मगर नीचे जो है वो ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री अच्छा है मगर नीचे उनके पीछे जो है वो ठीक नहीं है।